मैं प्रदीप कुमार दुबे एडीओ आईएसबी विकासखंड बियाँ में कार्यरत हूँ। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण भारत सरकार द्वारा जो 2012 से योजना चलाई जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आजीविका मिशन ग्रामीण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे ग्रामीण अंचल से जो गरीब महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ती हैं और अल बचत करते हुए समूह के गठन से ग्राम संगठन, फिर संकुल निकाय का गठन होता है, जिसमें विभिन्न हमारे कैडर हैं, वो NRLM का कैडर, उसके बाद शासकीय अधिकारियों के दायित्व तो हैं, इनके द्वारा गरीब परिवार, वंचित परिवार के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आजीविका मिशन के माध्यम से उनका आय बढ़ाने के लिए, आपस में छोटी छोटी बचत करने के लिए और सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से वो अपना आजीविका कोई उद्योग चलाने के लिए ये हमारे समूह के माध्यम से उनको RF के माध्यम से, CIF के माध्यम से व CCL के माध्यम से उनको एक रकम प्रदान की जाती है, और जिससे अपना बचत करते हुए अपना आजीविका चलाएं, और जो हमारी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे महिलाएं हैं, परिवार हैं, वो स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और देश के उत्थान में, समाज के उत्थान में, अपने परिवार के उत्थान में जो उनकी अपनी माती भूमिका है उसका निर्वहन करें, क्योंकि हमारी देश की आधी आबादी महिलाओं की है, नारी शक्ति की है। बिना इनका, इनको स्वावलंबी हुए, आत्मनिर्भर बने, हमारे देश का एक संतुलित और समुचित उत्थान नहीं हो सकता। और हम सभी के में शासकीय जो कार्य किए जाते हैं, इसी में से हमारे राज्य सरकार द्वारा महिला मेट के रूप में चयन हो रहा मनरेगा में, और जो सामुदायिक शौचालय बने हैं उसमें केयर टेकर के रूप में चयन हो रहा है हमारी महिला समूह की सदस्या का, साथ ही साथ बैंक सखी के रूप में, विद्युत सखी के रूप में भी चयन किया जा रहा है, जिससे वो बैंक का भी काम कर रही हैं, मिनी बैंक का। और हमारे जनपद अम्बेडकर नगर से PC सखी ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और भी BC सखी हमारा अच्छा कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक क्रांति है, एक आर्थिक उन्नयन के लिए, सामाजिक उन्नयन और एक सामाजिक समरसता का भाव हमारे समूह के माध्यम से आ रहा है, और जिसमें सरकार की मंशा है जो भी कैडर है, समूह का कैडर, उसी को अधिकाधिक जो सरकारी योजनाओं हैं उसमें उनको लाभान्वित और उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। व्यक्तिगत लाभार्थी के रूप में, चाहे किसी का कैटल सेट बनना हो, कोई भी पशु जानवर का सेट हो, कोई सुक्ता का निर्माण हो, खेतों का समतलीकरण हो, ये सब व्यक्तिगत भी कार्य हमारी समूह की महिलाओं को दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम सभी लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ें, जो भी गरीब वंचित परिवार हैं, हम सभी आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़ें और इसका अधिकाधिक लाभ लें, जिससे जो भी हमारी देश की आबादी है, आधी आबादी जो महिला के रूप में है, नारी सशक्तिकरण के रूप में है, अधिक से अधिक जुड़कर इसका लाभ लें और देश के आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान करें। जय हिंद, जय भारत।